हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा रिव्यू 5 है। पहले उसका होमवर्क बता देती हूँ जो दिया हुआ था, और उसके बाद करेंगे इसके पैसेजेस। ठीक है, तो रिव्यू 5 है। इलेक्ट्रिक लाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इलेक्ट्रिक फैन, मोटर और रेजर से बनाना था। तो इलेक्ट्रिक फैन दिखा देती हूँ मैं आपको कैसे बनेगा। अब आप आके चेक करिए एक बार। इलेक्ट्रिक ड्राइंग बन गई मेरी तो। इलेक्ट्रिक फैन, फैन इलेक्ट्रिक फैन, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर इलेक्ट्रिक मोटर। और फिर है इलेक्ट्रिक रेजर। तो इलेक्ट्रिक हुआ और रेजर कैसे हो जाएगा आपका, देखिए रे ए ज र, इसी के साथ ही ज और र, रेजर। नेक्स्ट आइए एंटरटेन। तो एंटरटेन था एंटरटेन्स, एंटरटेनिंग, डिसजॉइंट है, अलग रखिएगा थोड़ा, एंटरटेनिंग, नहीं तो आप खुद ही सोचेंगे कि एक नया स्ट्रोक कौन सा आ गया। ठीक है, एंटरटेन्स, एंटरटेनिंग और एंटरटेनर। ओके, थर्ड आइए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। फिर है आपका इंटरेस्टिंग और इन इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। नेक्स्ट आएंगे ओवरकम, ओवरकम तो है ही, ओवर स्टेप। तो ओवर ये हुआ आपका ओवर, और फिर आपने बनाना है स्टेप, तो स्टेप ओवर स्टेप। नेक्स्ट आएंगे ओवरथ्रो, तो ओवर हुआ और थ्रो ओ ओवरथ्रो। और फिर हुआ आपका ओवर पेड, तो ओवर हुआ और यहाँ पे आपका पेड हो गया बड़ा, ये बीच में गैप है ऐसे, ओवर पेड। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे पोस्टल, पोस्टल बता दिया था, पोस्टेज, तो पोस्ट हुआ और एज, पोस्ट और ज का स्ट्रोक, पोस्टेज, पोस्टमैन और पोस्ट कार्ड। ठीक, नेक्स्ट आएंगे सेल्फिश, सेल्फिशली था आपका, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, सेल्फिश शीली, एल वाई का छोटा सा स्ट्रोक, सेल्फिशली और सेल्फिश, सेल्फिशनेस, क्लियर। नेक्स्ट आएंगे आपका सुपरवाइज था आपका, सुपरवाइज्ड, तो सुपर हुआ और वाइज्ड, सुपरवाइज्ड। फिर आपका हुआ सुपरवाइजर, तो सुपर हुआ वाई हुआ जर हुआ, फिर हुआ सुपरवाइजर्स, तो इसमें एस लगा देते हैं जरा। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं ट्रांसमिट, ट्रांसमिट हो गया था, ट्रांसमिट्स हो गया है, ट्रांसमीटिंग हो गया है और ट्रांसमिटल है ना, ट्रांसमिटल। देखिए ट्रांसमिटल, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैडम ट्रांसमिटल आपने ऐसे लिखा है, और अल के लिए अभी आपने बताया था जो पिछले एक बार बताया था वो इलेक्ट्रिकल वाला और दूसरा वाला, तो दोनों में कंफ्यूजन आपको हो सकती है कि क्या मैम हम इसके लिए ट्रांसमिटल ऐसे लिख सकते हैं। तो यस, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसमिटल अलग लिखना है तो अलग लिखिए, और ट्रांसमिटल इसी के साथ जोड़ना है तो इसके साथ जोड़ लीजिए, क्लियर है। नेक्स्ट आएंगे हम आपका अंडरटेक, अंडरटेक हो गया, अंडरटेक्स एस लगा देते हैं, अंडरटेक्स हो जाएगा, अंडरटेकिंग हो गया तो अंडर हो गया, टेक हो गया, किंग हो गया, अंडरटेकिंग। और फिर आपका है अंडरटेकिंग्स, तो अंडरटेकिंग्स ऐसे हो जाएगा, देखिए भाई अंडर हो गया, टेकिंग्स हो गया और बस अंडरटेकिंग्स। एक मिनट, एक चीज याद आ रही, देखिए वो आपको याद है सेविंग्स के लिए आपने क्या बनाया था, इंग्स वाला जो होता है ना, ये इंग्स, इसके लिए कैसे बनता है, अंडर टेकिंग्स,
डिसजॉइंट वाला, ठीक है। इसके बाद आते हैं सरकम नेविगेट पे, था आपका सरकम नेविगेट हो गया, सरकम नेविगेट्स हो गया, सरकम नेविगेटिंग, इंग लगा देंगे, सरकम नेविगेटिंग, सरकम नेविगेशन है तो सरकम नेविगेशन हो जाएगा, इंटरप्ट है, इंटरप्ट है, इंटरप्ट्स हो गया, इंटरप्टिंग हो गया, मतलब इन इंटरप्टिंग हो गया, इंटरप्टेड, इन अपटेड बड़ा हो गया, सेल्फ मेड, सेल्फ मेड हो गया। अब सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, रिलायंट हो गया तो सेल्फ हो गया और रिलायंट, रिलायंट, आयंट, रिलायंट हो गया। सेल्फ कंटेंटेड, सेल्फ कंटेंटेड, ओके। इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस में सेल्फ इंट्रोड्यूस नहीं, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूसिंग, 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 इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूसेस, ठीक, सिज, ये वाला ड्यू सिज दोनों, ओहो सॉरी, ये वाला इंट्रोड्यूसेस, ये है सर, दो सर, सिस्टर, असिस्टेंट वाला। नेक्स्ट आएंगे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म्स, तो ट्रांसफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट आइए अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंड्स में एस लगाया, अंडरस्टैंडिंग हो गया और अंडरस्टैंडिंगली हो गया, ठीक। पोस्टपोन है आपका, तो पोस्टपोन्स हो गया, ये तो आपका एस लगाया तो एस लगा के पोस्टपोन्स हो गया, पोस्टपोनिंग, पोस्टपोनिंग हो गया और पोस्टपोनमेंट, पोस्ट थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा ये, ठीक है, पोस्टपोनमेंट हो गया, ठीक है। ये होमवर्क हो गया, पैसेजेस करते हैं स्टार्ट। ओके, तो बिफोर आई स्टार्ट आई हैव टू टेल यू समथिंग, कुछ बताना है मुझे आप लोगों को, ज़रूरी है कि आई हैव टू अंडरगो अ मेडिकल सर्जरी, एक मेडिकल सर्जरी होनी है मेरी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, बॉडी में, तो आई रियली डोंट नो, ठीक है। आई विश सब कुछ पॉजिटिव रहे, सब कुछ अच्छा रहे, जो मैं आऊँ वापस ठीक से होकर, और होता है बॉडी में हज़ार चीज़ें होती हैं यार आपकी, है ना, यू नेवर नो कब आपकी बॉडी में क्या चीज़ हो जाए। तो ठीक है, मेडिकल सर्जरी है मेरी एक, और मेरे को करानी पड़ेगी, और तो बिफोर आई लीव, मैं पूरी पूरी कोशिश, आप लोग जानते हैं यार, आई ट्राई माई बेस्ट, मैं भी पूरे एफर्ट लगा रही हूँ, जी जान से कर रही हूँ, एंड सीरियसली डोंट नो, पता नहीं मैं क्यों इतना टाइम इस चीज़ को दे जा रही हूँ, क्योंकि टाइम है नहीं, और टाइम मैनेज पता नहीं बस मैं कैसे कर रही हूँ। समवेयर वही चीज़ है ना कि आप लोगों का, आप लोग इतने डेस्परेट हैं करने के लिए, इसीलिए ही यू नो, मैं भी जानती हूँ कि कुछ बच्चे, बाकियों को मुझे नहीं मालूम, बट कुछ ऐसे हैं जिनको सच में नीड है, उनको ज़रूरत है कि भाई ये चीज़ हम कर रहे हैं और हमें पूरा मिल जाए और हम पूरा चीज़ कर लें, है ना। तो इसलिए मैं शायद रिस्पॉन्सिबल सी हो गई हूँ कि भाई मैं पूरा करा दूँ यार अपनी तरफ से, क्योंकि मैं नहीं कुछ भी ऐसा चाहती कहीं बीच में कहीं छोड़कर मैं किसी को जाऊँ, ठीक है। तो 5 हो चुके हैं, 8 लेसन, 8 ही रिव्यू पूरे हैं आपके, तो आज मैं 5वां करा रही हूँ कंप्लीट, और जितना जल्दी हो सकेगा मैं 8 करा दूँगी यार, बट इफ़ आई हैव टू लीव बिफोर 8 लेसन्स, प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि सिर्फ पैसेजेस ही पैसेजेस हैं, और उसके बाद आप लोग अपनी खुद से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। पर डोंट वरी, मैं कोशिश तो देखिए मैं करूँगी कि मैं करा दूँ, एनी हाउ यार 8 करा ही दूँ मैं पूरे, कंप्लीट हो जाए आप ये किताब जो है। अच्छा, एक बच्चे ने एक दिन एक मैसेज करा था और बोला था कि मैम मैंने कोई बुक खरीद ली है और पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो भैया आप मुझे बताओ यार, मैंने तो नहीं बोला ना आपको बुक खरीदो,
पता है मुझे वो कमेंट पढ़ के इतना पहले तो गुस्सा आया कि मतलब फ्री में जब कोई चीज़ दे रहा है ना इंसान, तो आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं हो रही है। मैं कहाँ कहाँ से अपना टाइम कैसे कट करती हूँ ना, मुझे पता है। अभी लास्ट भी वीडियो मैंने सुबह 4 बजे उठ के मैं बनाने लगी, तब मेरी बेटी जब बीच में आ गई थी उठ के। मतलब अगर फ्री में कोई इंसान किसी को कुछ दे रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं है, आपको किताब चाहिए ही चाहिए। मुझे पता है भाई कि मार्केट में, मैं क्लियरली कह रही हूँ, मार्केट में ऐसी ग्रैक की कोई बुक अवेलेबल नहीं है जिससे आपको समझ में आएगा, फिर भी आप कहीं से खरीद लेंगे तो आपकी अपनी हेडेक है। प्लीज़ मुझे मत बताइए कि मैंने खरीदी है। तो अच्छा, उसको खरीदने के बाद भी फिर दूसरा बच्चा एक और उसको कमेंट में रिप्लाई कर रहा है कि भाई आपने कहाँ से लिए, कितने की ली है, क्या ग्रैक की ली है, कैसे ली है, क्या ज़रूरत क्या है। ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, वो पता है कैसे होते हैं कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको उनके पास बहुत पैसा है, उनको जब तक एक बुक नहीं मिल जाएगी ना तब तक उनको ये है कि भाई मैं मतलब शायद पढ़ ही नहीं सकता। आपको मैं ना एक चीज़ 100% ना गारंटी के साथ बोल रही हूँ, 100% या 200% आप कह लो, आप कल किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ, ठीक है, आप एनरोल हो जाओ, आप वहाँ पे पता नहीं कितने 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, जितने मर्जी आप वहाँ पे फ़ी पे कर दो, वो टीचर आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे जो मैंने पढ़ाया है। कोई आपको आपके हाथ पकड़ के नहीं आपको यहाँ पे स्ट्रोक्स बनवाएगा, या फिर कोई आपके घर पे जाके नहीं देखेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। वो क्लास में आप 2-3 घंटे जो बैठोगे वो आपको बता देंगे, और बताने के बाद सेल्फ स्टडी इज द की। सेल्फ स्टडी है भाई, सेल्फ स्टडी जिस जो बच्चा कर रहा है, खुद से पढ़ रहा है, उसी का सिलेक्शन होगा। कोई आपको घुट्टी घोल के नहीं पिला सकता है, सच बता रही हूँ। आज मेरा मन कर रहा है मैं बहुत डांटूँ उस बच्चे को स्पेशली। मतलब क्या कितना लाइटली आप चीज़ों को ले सकते हैं, इससे ये पता लगता है। और इससे क्या, मैं ये सोचूं कि भाई मैं जो है ये वीडियो वगैरह जो बना रही हूँ तो मैं भी वही करती हूँ ना जो सब यूट्यूबर्स ने कर रखा है। मेरी वीडियोस बहुत ही, आप लोगों ने देखा होगा, प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं है ना। प्रोफेशनली लोग जैसे पढ़ाते हैं, मैं वैसे पढ़ाती ही नहीं हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे अंदर आज भी ना एक तो ह्यूमैनिटी है, ठीक है, इसलिए मैं फ्री में सब कुछ चीज़ें दे रही हूँ। मैं नहीं चाहती जो मैंने फेस करा है ना, जितना स्ट्रगल मुझे जिन चीज़ों में मिला है, वो और बच्चों को किसी को मिले। और एक बात बताऊँ, जो ये रिसोर्सफुल बच्चे होते हैं ना, जिनके पास इतना पैसा है कि भाई बुक खरीद लें तो उससे समझ में आ जाएगा सब कुछ, और एक बुक मिल जाए बस उससे पढ़ लूंगा मैं तो सब कुछ, वो बच्चे ऐसे बच्चों का रास्ता कट कर देते हैं जो बच्चे नहीं पे कर सकते हैं। मैं भी कल को यार गुस्से में आके मैं भी यही कर दूं कि यूट्यूब से सारी वीडियो हटाकर एक आध रख दूं, और उसमें फिर मैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मैं भी बोलूं कि जी आप पे करिए और ले लीजिए वीडियो मुझसे, मैं भी कर सकती हूँ, पर मुझे नहीं करना ना, क्योंकि ये बेवकूफ़ी है। आप लोगों की वजह से वो बच्चा बेचारा सफ़र करेगा जो जिसको असली नीड है। भाई नहीं है पैसा तो ठीक है ना, फ्री में भी तो कुछ चीज़ें मिल सकती हैं कि नहीं मिल सकती। ऐसे बच्चे अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि बस किताब मिल जाए तो हम पता नहीं क्या पढ़ लेंगे। जब मैं आपको पहले दिन से कह रही हूँ कि भाई ये आपका एक बुक ही है, मैंने मेरा ये देखिए, मैंने पूरा इतना मोटा एक रजिस्टर ही बनाया है, इतना मोटा है पूरा रजिस्टर है, ठीक है, अभी आगे भी कुछ पेजेस बचे हुए हैं। ये पूरा एक बुक की तरह है आपका काम करेगा, पूरी एक बुक है ये आपकी। और ये नोट्स जिसे आपने कभी देख, आप कॉलेज गए होंगे, जो बच्चे 12th पास अगर जो बच्चे यहाँ पे हैं अगर कॉलेज गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि कॉलेज में टीचर क्या करते हैं, जो लेक्चरार होते हैं वो सिर्फ आपको आगे आके लेक्चर देते हैं, ठीक है, वो बुक में से भी नहीं पढ़ाते, उन्हें कोई मतलब नहीं है बुक क्या है क्या है क्या नहीं, आपके पास लाए हो नहीं लाए हो, आएंगे पढ़ा कर चले जाएंगे। जो बच्चा वहां बैठ के उनके शब्दों को अपने नोट्स के रूप में तैयार करता है ना, एक एक बात वो लिखता है, वही पास होता है। और मैं आपको बता रही हूँ ये, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपको बता रही हूँ, ये सीक्रेट बता रही हूँ मैं आपको इन चीज़ों के, कि भाई कोई आपको नहीं बताएगा। सब कहेंगे आओ पैसे, आओ पैसे दो मैं सिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भाई एक इंसान क्या कर सकता है, बच्चे को टीचर सिर्फ सिखा सकता है, पर उसके अंदर घुस के वो तो पेपर नहीं देकर आएगा ना, पेपर तो आपने देना है अल्टीमेटली। मैं आपको कितने टाइम से मैं बोल रही हूँ कि भाई आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी करिए, आप लोग तरीके ढूंढिए कि कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों का अभी 2020 में पेपर होगा, और अच्छा कुछ बच्चे हैं जिनको डाउट है भाई होगा कि नहीं होगा, यार 2019 वाले आप एसएससी का कैलेंडर देखो, ठीक है, एसएससी का कैलेंडर देखो 2019 का, अभी जो निकला हुआ है ऑलरेडी, ये इन्होंने बोला है कि हम सितंबर में जो है इसके पेपर वेपर भरने के लिए निकालेंगे। तो जब उन्होंने दिया, यार ये पागल थोड़ी है,
और एक चीज आप मेरे से गारंटी लिख के ले लीजिए कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट ना कभी भी लैप्स नहीं होगी, कहीं जा ही नहीं सकती है ये पोस्ट। अरे भाई, एक इंसान कहीं भी कोई भी जहां पे जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके सबके पीए होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई ऑफिसर अपने आप काम करता है या कंप्यूटर उसके लिए काम कर देगा जब तक उस पर उंगलियां नहीं चलेंगी किसी की? तो उनको यहाँ पे चाहिए होता है। ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, और ये आप सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग बन जाएंगे, मैं कह रही हूँ आप अपने बच्चों को भी सिखाना। इतनी जनरेशन और उसके बाद भी इतने जनरेशन चलेंगी ये जब तक यहाँ पे सब कुछ डिजिटल नहीं हो जाएगा। और डिजिटल हो भी गया तो भी आज तक ऐसा को तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है किसी, मैं ऐसे बोलती रहूँ और कंप्यूटर में टाइप होके अपने आप आ जाए और फिर वो सब कुछ करेक्ट करके अपने आप निकाल के दे दे, ये लो जी सर। ह्यूमन चाहिए ही चाहिए इन कामों के लिए। उस मशीन को, अगर कोई सॉफ्टवेयर कल को बन भी जाएगा तो इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी तो चाहिए कोई। तो वो पीए जो होते हैं, स्टेनोग्राफर्स जो बनते हैं, वही लोग होते हैं। तो ये डाउट दिमाग से निकाल दो कि पता नहीं यूज होगा नहीं होगा क्या होगा। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट मुझे याद आ गई है। हाँ, मैं बीच में एक याद रह आ गया कि 2020 में बात कह रही थी कि जिन बच्चों का एग्जाम 2020 में होगा ना, ठीक है, अगर उनको लगता है कि उनके पास टाइम है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 10 महीने में, ये निकलने के बाद 10 महीने में आपका पेपर हो जाना चाहिए, ठीक है, मतलब स्किल टेस्ट की बात कर रही हूँ मैं। अपना रिटर्न स्ट्रांग करिए, ऐसा ना हो रिटर्न में पहले पेपर में रह जाओ फिर कहाँ तक स्टेनो में पहुंचेंगे आप। रिटर्न पढ़िए, रिटर्न करिए अच्छे से, रिटर्न हो जाएगा तब आपको स्टेनो मिलेगा, और स्टेनो के बाद आप जब वो भी क्लियर कर लेते हैं तब आपका टाइपिंग का टेस्ट होता है। तो सब चीजों को साथ में लेकर चलना है। जो SSC के बच्चे यूजली प्रिपेयर करते हैं स्टेनोग्राफर, वो उनका 90:10 का रेशियो रहता है, यानी कि 90 तो उनका ध्यान होता है अपने स्किल पर, स्किल, और 10% वो रिटर्न सोचते हैं। और फिर क्या होता है, वहां बच्चे सीधा छट जाते हैं भाई, क्योंकि पढ़ के नहीं, जब आ रखे पेपर ही नहीं पास हो तो ये क्या करोगे। हर चीज को मैनेज करके चलिए। मैं आपको अभी शायद मैंने एक वीडियो में बोला था, डू नॉट डिपेंड, किसी पे डिपेंड नहीं होना है, अपने आप से ढूंढे। यूट्यूब एक ऐसा आपका माध्यम मिला हुआ है आपको कि आप पता नहीं उसमें दुनिया भर की चीजें सर्च कर सकते हो। यार देखो, मैं ना आप लोगों का भला ही चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको इस तरीके से आज बता रही हूँ और बोल रही हूँ, ठीक है। अगर ये आप करेंगे तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप सोचते हैं बनी बनाई खिचड़ी, पक्की पकाई खिचड़ी मुझे मिल जाए, तो सॉरी, आप लोग फिर ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा आपका सिलेक्शन। जब आप ये करेंगे, रिसोर्सेज ढूंढिए अपने आसपास, अपने आपके जो और स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहा होगा बच्चा, आपका भाई बहन मम्मी से डिक्टेशन लीजिए, और कोई तैयारी कर रहा हो बच्चा तो उनसे बोलिए कि भाई डिक्टेशन का तेरे पास है तो मुझे भी दे दे। नहीं तो यूट्यूब पे मैंने खुद देखा है यार कि लोगों ने 20 की स्पीड में डाल रखा है, 40 की स्पीड में डाल रखा है, 60 की में डाल रखा है, 80 में डाल रखा है। ये सुन के तो आपको लिखना ही तो है। सो डू नॉट डिपेंड ऑन मी। अगर आप इतने कैपेबल नहीं हैं कि आप खुद से अपना रिकॉर्डिंग करके आप उसको कर पाए मैनेज, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सर्च करिए, ढूंढिए इन चीज़ों को यूट्यूब। इसी ये भी तो जो मैं दे रही हूँ वो भी यूट्यूब से ही मिल रहा है ना, तो वहीं पर देखिए, ठीक है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, सेल्फ काम करना है, सेल्फ स्टडी। मैंने ऐसे ही, मैंने बैंक पीओ मैंने क्लियर नहीं किया, ऐसे ही मैंने सीजीएल क्लियर नहीं कर रखा है, केवी का एग्जाम टीचिंग का, ये सिर्फ मैंने इसलिए छोड़े क्योंकि मुझे पोस्टिंग्स दिल्ली में नहीं मिल रहे थे, मुझे दिल्ली ही चाहिए था सिर्फ। और आगे भी मैं आज, और मैं ऐसे नहीं कि रुकी हुई हूं, मैं हमेशा भर्ती रहती हूँ, ठीक है। तो ये जो है मैं आपको बता इसलिए बता रही हूँ ये, क्योंकि जब मेरा ये पहला पेपर क्लियर हुआ था ना, तब मेरा जो कोचिंग वाले सर थे, मेरे कोचिंग वाले सर थे, उन्होंने मुझे बोला था कि मैडम आप ना, मैं पूरे सेंटर में सिर्फ मेरा क्लियर हुआ था, तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि मैम आप जरूर ना कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े होंगे। मैंने कहा नहीं सर, मैं कॉन्वेंट स्कूल में तो नहीं थी। कहते पब्लिक स्कूल होगा आपका, इंग्लिश मीडियम? मैंने कहा नहीं सर, मेरा नॉर्मल गवर्नमेंट कोएड, गवर्नमेंट एडेड स्कूल था, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल था नॉर्मल, और वहां पे नॉर्मल पढ़ाई होती थी, और मैं आर्ट्स साइड से हूँ ना कि साइंस या कॉमर्स। तो कहते फिर क्या किया आपने? मैंने कहा सर मैंने सेल्फ स्टडी करी है, मैं रात के 3-3 बजे तक, जब तक 3 नहीं बज जाते थे, मैं 10 बजे बैठती थी पढ़ने, घर में थी ही ऑब्वियसली, पढ़ाई कर रही थी, कोचिंग की तैयारी कर रही थी जब, तो 10 बजे, रात के 10 से 3 बजे तक, जब तक ये तीन, मैं ना अपने स्टडी टेबल पर अलार्म रख के बैठती थी, और
मेरा लाइट जल रही होती थी, जब तो मैं देखती थी बस तीन की सुई, जब तक तो तीन पे ना आ जाए ना सुई तब तक मैं उठती नहीं थी वहां से। मेरे को कहता स्वाति बस थोड़ा सा यार इतना, चाहे अच्छा चाहे मेरा मैथ्स पढ़ने का मन नहीं है उस टाइम, चाहे कुछ पढ़ने का मन नहीं है ना, फिर भी चल जीके उठा लो, इंग्लिश उठा लो, कुछ भी भाई, सेल्फ स्टडी आप करोगे। देखो बच्चों, आप अगर कल को कोचिंग में जाते हो, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, कोई भी आपको गाइड कर सकता है, ठीक है, गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको करना तो खुद है यार। स्कूल में एक ही स्कूल होता है, स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, फिर भी उसमें से कोई एक ही होता है जो टॉप करके निकलता है और वो CBSE का टॉपर कहलाता है। कैसे भाई कैसे? टीचर, एक ही टीचर ने सारे बच्चे पढ़ाए हैं फिर भी वो निकल कर आ गया बच्चा, कैसे? क्योंकि वो अपने आप से सेल्फ स्टडी करता है, अपने आप से पढ़ता है, आपको तरीके ढूंढने हैं। मैं तो एक तरीका आपको और बताती हूँ, इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरी, अगर जिन बच्चों के पास टाइम हो तो रोज आप क्या करिए, डिक्शनरी उठाओ, डिक्शनरी के जैसे ए से पहले 5 वर्ड ले लो, ठीक है, फिर बी के 5 वर्ड ले लो, सी के 5 वर्ड ले लो। ये ना मैं आपको कह सकती हूँ दुनिया का कोई इंसान नहीं करता होगा जो ये मैंने करा है, दुनिया का कह रही हूँ, दुनिया का किसी ने नहीं करा होगा ये चीज। सी के ले लो, डी के ले लो, जो पढ़ने वाला बच्चा है मैं उसके लिए बता रही हूँ ये, जो सोचता है कि जिसको अभी ध्यान नहीं आया कोई चीज कि मैं और क्या करूँ क्या करूँ, तो आप ये भी कर सकते हो। इस तरीके से आप क्या करो, पूरा दिन है पढ़ने का टाइम है ना, तो अपना आराम से आप जेड तक पूरे 5-5 शब्द ले लो, लेके उनको अपने आउटलाइंस बनाओ, ठीक है, लेके उनके आउटलाइन बनाओ और एक एक पेज पूरा उसी आउटलाइन से भर दो। अब ये बताओ आप मुझे कि जब डिक्टेशन आपको कहीं मिलती है तो क्या दुनिया का कोई ऐसा शब्द होगा जो डिक्शनरी में नहीं होता है? सारे शब्द होते हैं ना डिक्शनरी में, तो कोई शब्द आपसे छूटा ही नहीं है, तो कैसे पेपर क्लियर नहीं होएगा? जब आपने तैयारियां इतनी कर रखी है ना, तो SSC क्या, अच्छा SSC क्या से मुझे एक चीज़ याद आ गई, मैं बच्चों आपको बता दूं, क्योंकि देखो यार मेरे पास टाइम है कम, ठीक है, लेकिन बताना मैं आपको, पता मैं कितना कुछ चाहती हूँ कि मैं क्या क्या बता दूँ, क्या क्या कर दूँ। तो एक चीज़ मैं बताती हूँ आपको कि सिर्फ आप लोगों को SSC पर डिपेंड नहीं रहना है। मैं आपको बताती हूँ कितने ऐसे होते हैं जो वो हैं आपके जगह, मतलब डिपार्टमेंट्स जहाँ पे स्टेनो की जॉब निकलती है, सब में ये चीज़ मांगते हैं, पर बच्चे अवेयर ही नहीं होते हैं, बच्चों को सिर्फ SSC नज़र आ रहा होता है। अरे भाई SSC हो गई, वो भगवान थोड़ी है, SSC के अलावा हजार ऑप्शन है, हजार हजार समझते हैं आप, हजार ऑप्शन है, और आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए किसी एक डिपार्टमेंट में, ओके। तो अब जैसे आपका ये IOCL होता है ना, ONGC है, NLC कुछ करके है, HPCL है, BARC है, ठीक, MMTC है, फिर आपका ये बेल है, गेल है, सेल है, ठीक है, ये जो है सारे, या ये PSU है। PSU क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं ये आपके, अंडरटेकिंग मतलब ये आपके ऑटोनॉमस बॉडीज होते हैं, ऑटोनॉमस, इसमें सारे रूल्स जो हैं गवर्नमेंट के ही अप्लाई होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जी इनमें लग जाएंगे तो क्या है क्या नहीं, जबकि ये जो होते हैं ना, ये इनसे ज़्यादा सैलरी देते हैं, इनसे ज़्यादा इंसेंटिव्स देते हैं आपको, तो आप प्रॉपर इन्हीं चीज़ों को सर्च करके ढूंढ लो, और कुछ नहीं तो, नहीं तो और तरीके बताती हूँ मैं आपको भी, ठीक है, इनमें भर सकते हैं। फिर जैसे आपका ये है NVS, नवोदय विद्यालय समिति, आपने देखा होगा अभी यहाँ पे टीचिंग की रिक्रूटमेंट है, पर टीचिंग के साथ ही जो है स्टेनो की रिक्रूटमेंट भी हो रही है, इसकी लास्ट डेट भी बची हुई है मेरे ख्याल से अभी, तो ये आप इसको ढूंढिए, ठीक है, नेट पे ढूंढना। फिर आपका जैसे ये एम्स वगैरह होता है, एम्स होता है हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे निकलती है, वहाँ पे आप भरिए एम्स वगैरह में, सब गवर्नमेंट का ही है, सिर्फ एक ही, जरूरी नहीं कि SSC से हो गए तो हमारा जी नहीं हुआ तो हम क्या करें, ये ऑप्शन मैं दिखा रही हूँ आपको सामने आपके। फिर आपकी जो ये यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे आपकी हो गई DU हो गई, उसमें निकलती हैं, सब हर जगह चाहिए ना, मैं कह रही हूँ ना स्टेनोग्राफर हर जगह पोस्ट है भाई, एक LDC, UDC, स्टेनोग्राफर, सेक्शन ऑफिसर, एडमिन ऑफिसर, AR, रजिस्ट्रार, हर जगह ही तो चाहिए होगा, एडमिन को तो कोई संभालेगा पूरा का पूरा, तो DU है यहाँ पे, IGNOU है यहाँ पे, ठीक है, JNU है,
DTU है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये सब सब आप भर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका कि बच्चे भरे, अच्छा कहाँ ढूंढे। अब बच्चे ऐसे होते हैं जी कि मैम कुछ वेबसाइट बता दो ऑथेंटिक कहाँ से ढूंढे। अच्छा प्लस मैं आपको बताती हूँ कि जो ऑथेंटिक जो मैं बोलती हूँ वो ये है कि नोटिफिकेशन, आप इनमें से कभी भी कुछ सर्च करें ना जब, तो ऐसे लिखें कि PDF, रिक्रूटमेंट PDF करके लिखें, ताकि वो PDF खुल गया। PDF जो होता है ओरिजिनल होता है और इन्हीं का नोटिफिकेशन होता है। अब एक वेबसाइट है आपकी फ्रेशर्स, FreshersHERS, freshersworld.com, ये खोलेंगे ना आप, तो इसमें खोलेंगे नहीं तो सीधे लिख दीजिए उसके नीचे, जैसे गूगल पे जब आप सर्च करेंगे तो नीचे लिखा आएगा ऐसा गवर्नमेंट जॉब्स, और फिर और कुछ लिखा होगा, और कुछ लिखा होगा, तो उसमें इस पे क्लिक करिएगा और इसमें देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर एक चार्ट की तरह से बना रखा है इन्होंने और प्रॉपर उसको करना है। एक और मैंने देखा था तो www. ये वाले तो जो है मैं देखती थी और ये मोस्ट ऑथेंटिक है मेरे लिए तो भाई, ठीक है। बाकी बहुत से कहते हैं naukri.com देख लो, ये देख लो, वो देख लो, पर उनमें सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा है। इसमें बिल्कुल क्लियर है कि क्या कहाँ पे पोस्ट होगी, मतलब लोकेशन क्या होगी आपकी जॉब की, कहाँ पे निकली हुई है, कहाँ पे क्या चाहिए, उसकी लास्ट डेट क्या है। फिर यहाँ पे आ जाएगा क्लिक नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वो PDF खुल के आ जाएगी, या फिर इन्होंने ही जो डिटेल दे रखा होता है प्रॉपर वो आ जाएगी, और फिर उसको खोलेंगे तो उसके नीचे आएगा नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें आप, ठीक है, डिटेल एडवर्टीजमेंट जिसको बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है indgovt.jobs.in, ठीक है, indgovt.jobs.in, फिर ये आ जाता है आपका। और बता रही हूँ मैं, रुकिए अभी जरा। एक अभी रिसेंटली निकली हुई है, आप लोग देख सकते हैं, जो हरियाणा के बच्चे हैं, और अगर हरियाणा के ही सिर्फ नहीं, अपने जो दिल्ली वैली कहीं के भी हैं यूपी के, वो हरियाणा में अप्लाई कर सकते हैं, पर जनरल कैटेगरी से करेंगे, और जो हरियाणा का ही होगा वो तो वही कर ही सकता है, साफ सी बात है। तो हरियाणा में आप देखेंगे तो उसमें भी निकली हुई है स्टेनो की, ठीक है, एज उसकी मांगी हुई है उन्होंने 18 से 42 ईयर्स की है, ग्रेजुएशन मांगी हुई है और 12th भी है, मतलब दोनों बेसिस पे है, जैसे इसका आपका CD होता है SSC का, तो इसमें है कि 12th है तो 25 पोस्ट है और इसके लिए 34 पोस्ट है, ठीक है, स्पीड वही मांग लेंगे वो उसके हिसाब से। और ग्रेजुएशन है 60%, ग्रेजुएशन मांगा है 60% है, और जो छूट वाले बच्चे होते हैं उनको 55% है। अब मेरी बात सुनिए, मैं आप लोगों को कहूँगी, आप अच्छा लास्ट डेट सुन लो इसकी, इसकी लास्ट डेट जो है वो है 16/8/19, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं आप लोगों को बोलूँगी बच्चों प्लीज़ सीरियस होके ना इसको भर दो, ठीक है, चाहे आप तमिलनाडु के हो, चाहे आप कहीं के भी हो, आप एक बार इसको भर दो मेरे कहने से, इफ़ यू रियली ट्रस्ट मी ना, आप इसे भरो। अब रीज़न पूछिए क्यों, क्योंकि दिल्ली से जो दिल्ली का रिटर्न एग्जाम होता है उससे थोड़ा लेवल कम होता है हरियाणा का, और थोड़ा नहीं काफ़ी थोड़ा कम होता है हरियाणा का। जो बच्चे दिल्ली वाले लेवल को कम्पीट करते हैं या SSC को कम्पीट करते हैं, वो क्या होता है, पेपर ही क्लियर नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस हो गया आपका 0, यही होता है ना, कॉन्फिडेंस जो है आपका वो नीचे आ जाता है 0 की, जी हमारा पेपर क्लियर ही नहीं हुआ है। आप लोग क्या करेंगे, आप हरियाणा का भरेंगे, सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होएगा, थोड़ी बहुत जितनी भी आपकी तैयारी है ना, आप ये पेपर दीजिए, हो सकता है इसमें आपका पेपर क्लियर हो जाए। अब क्लियर होने से, हो गया ना पेपर क्लियर, ठीक है, अब आपको करना क्या है, जब पेपर क्लियर हो जाएगा तो आपको ये नहीं सोचना है कि जी मैं ज्वाइन करूँगा नहीं करूँगा, हरियाणा में कौन जाएगा, ये होगा वो होगा, ऐसा आपको सोचना ही नहीं है। आपको तो इस जैसे पेपर क्लियर हुआ तो सबसे पहले तो हुआ कॉन्फिडेंस अप, है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपका कि जी मेरा पेपर क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आपको स्किल टेस्ट में जब आप बैठेंगे तो अब आपको मौका मिल गया स्किल टेस्ट में बैठने का, तो इससे क्या पता लगा जी कि अब आप स्किल टेस्ट देखोगे कि कैसा होता है, कैसे कराया जाता है वहां पर, तो यहां आपको मिलता है एक्सपीरियंस,
और ये एक्सपीरियंस जब आप इन चीजों में कहीं पर जाएंगे ना इधर, तो वहां पे काम आएगा। ऐसे पढ़ाई होती है और ऐसे बच्चे जब आगे बढ़ते हैं। ये नहीं आपने एक पेपर में दिया और उसमें हो गया सिलेक्शन। मैं आपको मैंने बताया है ना कभी, शायद एक बार वीडियो में, मेरा ना हर संडे पेपर होता था। हर संडे, हर महीने का हर संडे, यानी 4 महीने में 4 पेपर मैं देकर आती थी, तब जाके कहीं मेरा फाइनल, मेरी मन चाही जगह पर मेरा सिलेक्शन हुआ। नहीं तो पेपर क्लियर होता 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 और भी होते। 30,000 कोर्ट का हुआ, हर जगह हुआ, बहुत सारे हुए। पहला पेपर चंडीगढ़ का गई थी मैं, चंडीगढ़ का देने कोर्ट का, वहां का हो गया था, इंटरव्यू तक हो गया था सब। पहला पेपर देके आई क्लियर हुआ, सेकंड देकर आई फिर क्लियर हुआ, इंटरव्यू देके आई क्लियर हुआ। तो फिर अल्टीमेटली यही बात हो गई, मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया, भाई चंडीगढ़ में तो कैसे जाएगी, कैसे करेगी। पर उन चीजों से मुझे मिला क्या, एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस आपका पर्सनल होगा जब आप यहां, जो बच्चे डायरेक्ट यहां बैठेंगे ना, है ना, आप उनसे पहले निपट कर ना इसमें आ चुके हो, यहां से निपट कर आ चुके हो। जो बच्चा पहले दिन यहाँ पे आके फेस करेगा ना, वो आप ऑलरेडी यहाँ फेस कर चुके हो। और अब आप देख रहे हो, अरे ना तो मुझे कोई डर है ना कुछ है, सब कुछ मुझे आता है, मैंने तो ये भी क्लियर कर रखा है, वो भी क्लियर कर रखा है, तो बस इसका क्या है। ये आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वही आपको इतना आगे पहुंचा देगा ना। आप मुझसे, सच बता रही हूँ, कुछ टाइम बाद आके आप ही मुझे मैसेज करके बोलोगे, मैडम मेरा पेपर क्लियर हुआ है, मैं सिलेक्शन होके मैं यहाँ पे लग गया हूँ या लग गई हूँ। गर्ल्स भी, कोई पीछे नहीं है, प्लीज। ठीक है, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, बताओ, टाइम कम था फिर भी इतना कुछ बोल ली मैं। ठीक है, ये मैंने देखा था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम कर लेते हैं आपका पैसेज। ठीक है, लेसन नंबर 5 है, आइए चलिए पैसेज करिए। Dear Mr. Allen, it certain becomes necessary for us to transfer account to a collection agency full stop nay collection agency comma तो कोमा तो इसमें लगेगा ही नहीं, एजेंसी ऑन दोज फ्यू ओकेजन्स व्हेन सर्कमस्टांसेस लीव अस नो alternative, देखिए alternative ने इसी के साथ ही alternative we consider it in the interests of the customer to tell him effectively, ठीक है, ब्रीफ थी ना ये, इफेक्टिवली इंटेंडेड
वी इंटेंडेड टू डू. इफ वी डू नॉट हियर हियर फ्रॉम यू बी फ्रॉम यू बी फेवरेबल फेवरेबल फुल स्टॉप. वी शैल बी कंपेल्ड कंपेल्ड एल डी कंपेल्ड टू ट्रांसफर ट्रांसफर योर अकाउंट अकाउंट टू द कलेक्शन कलेक्शन एजेंसी सी एजेंसी फुल स्टॉप. प्लीज प्लीज यूज 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 द एनक्लोज्ड स्टैम्प्ड स्टैम्पड स्टैम्प्ड सेल्फ addressed envelope to let us hear from you full stop. Yours very truly. ठीक है दोबारा पढ़ दूँ एक बार इसको मैं. देखिए dear Mr. Allen it certain becomes necessary for you for us to transfer account to a collection agency on those few occasions when circumstances leave us no alternative we consider it in the interests of the customer to tell him effectively what we intended to do. If we do not hear from you, be favorable. We shall be compelled to transfer your account to the collection agency. Please use the enclosed stamped self-addressed envelope to let's hear from you. Yours very truly. ठीक है करते हैं एक और पैसेज है छोटा सा ही है ये. Dear Mr. Green, thank you for your letter of Friday, April 16, telling us of the report that you are making on typewriters. देखें typewriters. If we can assist you any assistance please be sure to let us
नो नो ओ लेट अस नो टू स्टॉप योर्स वेरी ट्रूली। ठीक है, ये छोटा सा ही था ये 4-5 लाइन का। डियर मिस्टर ग्रीन, थैंक यू फॉर योर लेटर फ्राइडे ऑफ फ्राइडे अप्रैल 16, टेलिंग अस ऑफ द रिपोर्ट दैट यू आर मेकिंग ऑन टाइपराइटर्स। इफ वी कैन असिस्ट यू एनी असिस्टेंस प्लीज बी श्योर टू लेट अस नो योर्स वेरी ट्रूली। ठीक है, अब करते हैं एक और पैसेज। ये वाला पैसेज बड़ा पैसेज है, देखिए देखिए पैसेज। डियर मिस्टर ग्रीन ग्रीन, डू यू नो, डियर मिस्टर ग्रीन डू यू नो हाउ मच इट, हाउ मच इट कॉस्ट्स, कॉस्ट्स कॉस्ट्स टू, हाउ मच इज कॉस्ट टू राइट, टू राइट अ चेक, चेक एक क्वेश्चन मार्क। आपको पता है कि एक चेक में कितना टाइम लगता है हमें काम करने पर उस पर। देखिए अकॉर्डिंग अ कॉर्ड आर्ड अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रीसेंट एंड रीसेंट सर्वे सर्वे रीसेंट सर्वे इट कॉस्ट कॉस्ट द एवरेज एव एवरेज बिजनेस ऑफ 75 सेंट्स, सेंट्स है ये वाला है, ये सेंट्स होता है ना पाउंड सेंट्स वो वाला 75 सेंट्स। नेक्स्ट पैरा एक्चुअली 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 द कॉस्ट नहीं द कॉस्ट ऑफ द चेक इज अ सम स म सम यू विल पे। ठीक है, कि चेक का ये जो सब काम हो रहा है बेसिकली क्या है कि आप ही को पे करना होता है वो चीज़, है ना, हमसे तो लेता है जैसे टैक्स हमसे लिया जाता है, तो वही चीज़ है यू हैव टू पे यू विल हैव टू पे जो भी। इट इज अ मच लार्जर लार्जर मच लार्जर कॉस्ट कॉस्ट एंड अ टाइम कंज्यूमिंग 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 इन चेकिंग एन वॉइसिस एन वॉइसिस एन वॉइसिस। ठीक है, एन वॉइसिस प्रिपेयरिंग प्रीपेयरिंग प्रिपेयरिंग एंड साइनिंग साइनिंग चेक्स चेक्स एंड सिमिलर सिम सिम लर लर सिमिलर एक्टिविटीज एक्टिविटीज एक्टिविटीज। नेक्स्ट पैरा एंटरप्राइजिंग कंपनीज कंपनीज एंटरप्राइजिंग कंपनीज हैव हैव फाउंड दैट व्हेन व्हेन दे डू इट विद अ सुपीरियर 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 समझ में आ गया, सुपर है और अर है तो सुपीरियर या हुआ था पहले आपका, है ना, सुपीरियर इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक का पहले ये बनाया चेक इसी के साथ इलेक्ट्रिक चेक
इलेक्ट्रिक चेक साइनर, साइनर इलेक्ट्रिक चेक साइनर दे सब्सटैंशियली, सब्सटैंशियली सब्सटैंशियली वर्कड, वर्कड द ओवरहेड, ओवरहेड कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ऑफ इशुइंग, इशुइंग इशुइंग अ चेक फुल स्टॉप, द सुपीरियर इलेक्ट्रिक चेक साइनर, साइनर सस्टेन्स, सस्टेन्स सस्टेन्स अप द इश्यूएंस, इश्यूएंस ऑफ अ चेक एंड इट ऑल्सो, ठीक है ना, ऑल्सो गिव यू, सॉरी ऑल्सो गिव्स है, ऑल्सो गिव यू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गिव यू द ग्रेटेस्ट, ग्रे ग्रेट, एक मिनट रुकिए, ग्रेट ये है, ग्रेट का होता है ना ग्रेट एस्ट, एस्ट ये ग्रेट की होती है और एस्ट ग्रेटेस्ट, जॉब्स, जॉब्स सेफ्टी, नेक्स्ट पैरा, इट इज डेफिनेटली, डेफ डेफ डेफिनेटली, इट इज डेफिनेटली टू योर इंटरेस्ट टू गेट द facts about the superior electric check signer full stop, these facts are yours, yours if you will feel now, sorry, you will feel now and return the enclosed self-addressed, self-addressed paid card. कार्ड फुल स्टॉप, सिंसियरली योर्स, ठीक है. अब बताती हूँ मैं पूरा पैसेज को एक बार दोबारा से, उसकी की समझिए या कुछ भी समझिए, लिख लीजिए अपने आप से. अब देखो जरा, डियर मिस्टर ग्रीन, डू यू नो हाउ मच इट कॉस्ट टू राइट अ चेक, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट सर्वे द कॉस्ट The, sorry, it cost the average business of 75 cents. Actually, the cost of the check is a sum you will pay. It is a much larger cost and a time consuming in checking invoices, preparing and sign checks. And similar activities. Enterprises, companies, and have found that when they do it with a superior electric check signer, they substantially worked the overhead cost of issuing a check. The superior electric check signer assists up the issuance of a check and it also give you the greatest jobs safety. It is definitely to your interest to get the fact
द फैक्ट अबाउट द सुपीरियर इलेक्ट्रिक चेक साइनर. दीज फैक्ट्स आर योर्स इफ यू विल फिल नाउ एंड रिटर्न द एनक्लोज्ड सेल्फ एड्रेस्ड पेड कार्ड सिंसियरली योर्स. ठीक है, ओके, गुड. लेसन 5 कंप्लीट हो गया. रिव्यू 5, सॉरी नॉट लेसन 5, रिव्यू 5 कंप्लीट हो गया आपका. 6, 7, 8 तीन बचे हैं, आज से ही बिल्कुल लग जाइए. एंड एक चीज और, इट इज नेवर टू लेट. कभी भी ना लेट नहीं होता है. कहते ना, जब जागो तभी सवेरा. आज से, आज सपोज आपको मैंने जितना बड़ा लेक्चर दे दिया और आज आपकी आंखें खुल गई हैं, जो तो खुल गई ना अब, तो ठीक है, आज से ही लग जाइए. ओके, आज ही पढ़ना शुरू कर दीजिए उस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ बच्चों, और मैं बता रही हूँ आपको, कर लीजिए. और कभी भी अगर आपको, एक मैं आपको टिप दे के जाती हूँ, कभी भी आपको ये फील हो ना कि जी मैं मोटिवेशन मेरा जा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा हूँ कुछ, तो आप एक काम करिए, पहले तो मेरी ना कोई वीडियो देख लीजिए. ठीक है, मतलब सबसे पहला काम एक्चुअली आप क्या करेंगे, आप जो भी आपने फॉर्म भरा है या जो भरना है, जो आपकी एक लस्ट है, जो आप चाहते हो करना, जो चीज़, उस चीज़ को आप सबसे पहले इमेजिन करने बैठ जाइए. ठीक है, 10 मिनट उस चीज़ को इमेजिन करिए, उसकी सैलरी को सोचिए कितने पैसे आपको मिलेंगे, उस सैलरी से होने वाली चीज़ें आप सोचिए कि क्या क्या होगा. मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमारा घर, इसका एग्जांपल मैं देती हूँ कि होता है ना, जो ये चीज़ें आप, ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं, आपकी बेसिक नीड्स. सपोज आपकी सिस्टर्स हैं, आपकी 4 सिस्टर्स हैं, ठीक है, और आप अकेले भाई हैं, तो आप ये देखिए, जब आप लग जाएंगे, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, आप अच्छे वर्किंग हो जाएंगे, तो डेफिनेटली यार आप अपने चारों बहनों की शादी में अपने पेरेंट्स का साथ दे पाएंगे. ठीक है ना, मतलब ऐसी ऐसी जो आपकी बेसिक नीड्स हैं. आपका अभी जो घर है वो है छोटा, आप बड़ा घर लेना चाहते हैं. अब इसी सैलरी में जो छोटा घर है वो तो नहीं ले सकते हैं, चाहे प्राइवेट कहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बड़ी सैलरी के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. तो वो चीज़ सोचिए कि भाई, जैसे मैं अपना पर्सनली बताऊँ, मैं ऐसे सोचती थी कि स्वाति आज, या आज से 2 महीने या आज से 4 महीने सिर्फ लग कर कुछ भी ये चीज़ तैयारी कर ले, फिर तुझे अपनी डिज़ायर्ड चीज़ मिलेगी. इन चीज़ों के लिए, इस चीज़ को पाने के लिए अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनको कट ऑफ करिए. फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो छोटी छोटी, आपका मन करता है, सपोज मन करता है जी मैं कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लूँ, मैं बाइक पे दोस्तों के साथ घूमने चला जाऊं, मैं किसी शादी में जाऊं, किसी पार्टी में जाऊं. आपको पता है मैं शादी पार्टी तक अटेंड नहीं करती थी उस टाइम, एट दैट टाइम जब मैं तैयारी कर रही थी. मुझे होता था अच्छा यार, घर में से सब लोग चले जाएंगे तो मेरे पास और कम से कम 3-4 घंटे या 5-6 घंटे होंगे, क्योंकि लोग जाएंगे आएंगे. मैं वेट करती थी, सब तैयार हो रहे हैं ना, मैं कहती थी नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं पढ़ूंगी अपना बैठ. वो तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती थी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप ये चीज़ पालोगे ना, जो आपकी डिज़ायरस है, जो आप पाना चाहते हो, जब ये मिल जाएगा, तब ये जब चीज़ें पूरी होंगी ना जो आपने काटी थी, वो आपको मिलेगी. बहुत कुछ है यार मेरे पास बोलने को. मेरे सामने सच्ची अगर बच्चा बैठा हो ना, मैं उसको इतना इतना भर दूँ, इतना मोटिवेट कर दूँ ना, कि वो अगले एक हफ्ते तक तो बस वो पागलों की तरह जुटा ही रहेगा पढ़ने के लिए. पर अभी बस ठीक है, बहुत हो गया, कोई बात नहीं. मैं कुछ ऐसे जो याद आता रहेगा जब तक मैं वीडियो बना पा रही हूँ, बना दूंगी जैसे भी होगा. ठीक है, और डोंट वरी, मैं उसके बाद वापस आऊँगी, मैं ज़रूर आऊँगी वापस. ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब से ही गायब हो जाऊँगी कहीं. जैसे ही मैं ठीक हो जाऊँगी, जैसे ही मैं वेल हो जाऊँगी अच्छे से, तो मैं वापस ही वीडियो बनाने लायक हो जाऊँगी, तो मैं आ जाऊँगी यार. ओके, डोंट वरी अबाउट दैट. और बस बस ठीक है, ये लेसन, ये सब कंप्लीट हो गया है. आप जाइए पढ़िए, बैठकर तैयारी करिए, और इन्हें डाउनलोड करके रख लीजिए वीडियोस को. ठीक, डाउनलोड वाउनलोड कर लो अपने पास, अपने पास रखिए जैसे. अरे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे याद आ गई फिर से, देखो हुआ ना वही चीज़.
मैं कल बताती हूँ, ठीक है, कल बताती हूँ वो चीज़ मैं आपको कल बताऊंगी। ग्रेग शॉर्ट हैंड के लिए डिक्शनरी, डिक्शनरी जो आपको खरीदनी नहीं है, वो डिक्शनरी आपको खरीदनी नहीं है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है पूरी, बहुत सारे काफ़ी सारे पेजेस हैं। आप उसमें अपने फ़ोन में उसको डाउनलोड करो, फ्री है, आराम से डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करके आप इजीली उसको सर्च कर सकते हैं उसमें कोई भी वर्ड। तो वहाँ क्या है, अब आप जो बच्चे बावले हो रहे हैं बुक 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 के पीछे, तो इफ़ यू डो नॉट ट्रस्ट मी समवेयर, आपको लगता है कि जी इसका ये नहीं होगा, या इसका कोई अल्टरनेटिव आपको लगता है कि शायद होगा, तो ग्रेग डिक्शनरी में जाके आप देख लेना, क्लियर है। और वो सब कुछ ऑथेंटिक है यार, देखो मैं कुछ अपने आप से तो बना के मैंने बोला नहीं है, समझाया नहीं है, तो ये मैं आपको कल बताती हूँ डिक्शनरी का, ठीक है, आज इतना ही, ओके, बाय बाय।